16 तारीख को छोटू राम जी की जयंती कल है और बहुत अच्छे तरीके से सभी किसान इसको मना रहे हैं, सभी लोग इसको मनाए क्योंकि बड़ा योगदान सर छोटू राम जी का किसान उसमें रहा है। एक चीज और, खबर कुछ मीडिया के लोग गलत तरीके की अफवाह फैलाते हैं, उन पर लोग कोई भी ध्यान ना दें। उन पर आज भी वे एक अफवाह चला रहे हैं कि यहाँ पे जो किसान क्रांति गेट है गाजीपुर पे, अब यहाँ बहुत फोर्स लगा दी और लोग यहाँ पे कम हो गए। तो इन अफवाहों पर कोई ध्यान ना दे, यहाँ कोई ना फोर्स है न यहाँ से लोग कम हुए हैं। एक गलत तरह की धारणाएं अपने उसमें फैलाते रहते हैं। सिंघू बॉर्डर की कहते हैं कि वहां से भी लोग खाली हो गए, टिगरी बॉर्डर से भी लोग खाली हो गए, घर वापसी जा रहे हैं। ये तो पहले से ही 26 तारीख से ही अफवाहें चलाते रहते हैं, इन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और अपना काम करें सब लोग, अपने आंदोलन पर ध्यान दे। यहाँ पे कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग है। यहाँ पे जो टेंट का काम कल या परसों से यहाँ पे शुरू करवाएंगे, जो मंच के सामने है वहां पे थोड़ी सी धूप में बैठने की वो है, और वो दो तीन दिन में वो बन जाएगा पूरा। कल 16 तारीख को छोटू राम जी की जयंती कल है और बहुत अच्छे तरीके से सभी किसान इसको मना रहे हैं, सभी लोग इसको मनाए क्योंकि बड़ा योगदान सर छोटू राम जी का किसान उसमें रहा है। एक चीज और, खबर कुछ मीडिया के लोग गलत तरीके की अफवाह फैलाते हैं, उन पर लोग कोई भी ध्यान ना दें। उन पर आज भी वे एक अफवाह चला रहे हैं कि यहाँ पे जो किसान क्रांति गेट है गाजीपुर पे, अब यहाँ बहुत फोर्स लगा दी और लोग यहाँ पे कम हो गए। तो इन अफवाहों पर कोई ध्यान ना दे, यहाँ कोई ना फोर्स है न यहाँ से लोग कम हुए हैं। एक गलत तरह की धारणाएं अपने उसमें फैलाते रहते हैं। सिंघू बॉर्डर की कहते हैं कि वहां से भी लोग खाली हो गए, टिगरी बॉर्डर से भी लोग खाली हो गए, घर वापसी जा रहे हैं। ये तो पहले से ही 26 तारीख से ही अफवाहें चलाते रहते हैं, इन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और अपना काम करें सब लोग, अपने आंदोलन पर ध्यान दे। यहाँ पे कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग है। यहाँ पे जो टेंट का काम कल या परसों से यहाँ पे शुरू करवाएंगे, जो मंच के सामने है वहां पे थोड़ी सी धूप में बैठने की वो है, और वो दो तीन दिन में वो बन जाएगा पूरा।